हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। मैं हूं नीरज, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सो गाइज, आज मैं बात करने जा रहा हूं सलादों के राजा यानी कि खीरे की, जिसे पहाड़ों पे ककड़ी या काकड़ी के नाम से जाना जाता है। और आज मैं बनाने जा रहा हूं पहाड़ी नूर। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और करते हैं स्टार्ट। इनकी लताओं को खड़े रखने के लिए इन्हें लकड़ी के ठंगरों का सहारा चाहिए होता है, नहीं तो ये ज़मीन पर खराब हो जाती है। आप सोच रहे होंगे हम इतने काकड़ियों का करेंगे क्या, इन्हें हम अपने लोकल के मार्केट में सेल कर देंगे। इन काकड़ियों का मजा लेना है तो पहाड़ी नूर जरूरी है। अगर उत्तराखंडी सेब खाना है या नाशपाती, इसके लिए भी हम पहाड़ी इसे नूर यूज़ करते हैं। काकड़ी का मज़ा लेना है तो हरी मिर्च, लहसुन, हरा धनिया से तैयार किए गए चटपटे पहाड़ी नूर का ही साथ चाहिए। गाइस, कुमाऊं में नमक को नूर कहा जाता है। हम अक्सर देखते हैं हमारे बुजुर्ग जब बीमार होते हैं तो उन्हें मिर्च मसालों वाला खाना नहीं दिया जाता है, बल्कि बाकी लोगों की जीभ चटपटा खाने को तरसती है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन भी पहाड़ी पिसी नूर में ही छिपा है। खाने के ऊपर बस थोड़ा सा पहाड़ी नूर छिड़क देना है। गाइस ट्रस्ट मी, मज़ा आ जाएगा। पहाड़ी नमक के स्वाद और खुशबू की कोई लिमिट नहीं है।
वेलकम बैक गाइस। तो अभी आपने देखा कि मैंने पहाड़ी नमक कैसे बनाया, और जब मैं वो नमक बना रहा था तो मेरे माइंड में बस एक ही बात चल रही थी कि यार कब ये नमक बनेगा और मैं कब करूँगा टेस्ट। फाइनली ये बन चुका है और अब करते हैं इसे टेस्ट। सो ये रहा पहाड़ी ककड़ी और पहाड़ी नमक, तो करते हैं इसे टेस्ट। गाइज, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है जो मैं इसके लिए कह सकूं, और आप देख ही चुके हैं मैंने कैसे ये नमक बनाया। आप घर पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार, आपको पता लग जाएगा कि कितने कमाल का नमक है। एंड गाइज, अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे माता।